चौक जो कि महाराणा प्रताप चौक का नाम से दिया गया अभी, वो चौक राव तुलाराम चौक और रवासा फ्लाईओवर से क्रॉस करके सीसोट गांव आता है। सीसोट गांव के बीच में, क्योंकि दोनों साइड पुल बन गया है, सर्विस जो रोड है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, वहां पर एक डिवाइडर होकर के और सीसोट के पास एक बाईपास निकले सर, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग इसमें यह है सर, जो डिवाइडर बन रहा है इस डिवाइडर पर टायर लगाई गई है और वो टायर हमारे किसी काम की नहीं, अगर उसमें हरे भरे पौधे लग जाते हैं तो ये वैसे भी पर्यावरण के लिए भी ठीक रहेगा और आमजन के लिए भी देखने में भी रहेगा। ये नांगल सरोवर से लेकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय तक ये किया गया है। दूसरी, इसमें स्ट्रीट लाइट का प्रावधान नहीं है तो वो प्रावधान करवाया जाए। तीसरा, जो सर्कल बता दिया चलो, तीसरा ये है सर, रवासा फ्लाईओवर के नीचे इन्होंने एक साइड से वो कर दिया है, नाला बना दिया पानी का, लेकिन उसकी निकासी नहीं करी गई है। दूसरी साइड से, जिस साइड से पुल बन रहा है उस साइड से बनाया, दूसरी साइड से इन्होंने नाला पहले से है जिसकी, ये मैंने इसके अंदर फोटो भी लगाई हुई पीछे, देखो ये रवासा गांव के कुछ प्रशासन के माध्यम से भी 15 गोवंश तो खत्म हो चुके हैं जी वहां पर, बाई लिस्टेड नाम के साथ है। दूसरा, आए दिन वहां 6 फीट गहरा है और वो खुला है सर, जिसके कारण वो रवासा गांव को, भाई गोवंश कोई भी हो, आप भी समझते हैं उस चीज को, हम भावना जुड़ी हमारी तो तुरंत भागते हैं, गांव वाले रात को भी परेशान रहते हैं। ये तो हुआ गोवंश का, चलता कोई बच्चा बुजुर्ग या कोई बिना देखे, रात का टाइम है, स्ट्रीट लाइट तो है नहीं सर, तो कोई उसके अंदर गिर जाए तो सुबह तक पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 6 फीट की गहराई है और वो गंदा पानी है सर, जिसके कारण ये एक बार तो पुलिस प्रशासन वहां आकर के रात को निकाल के, ये फोटो में लगा हुआ सर, 2 बार अखबार में आ चुकी है सर, इसको अपने प्रशासन को कई बार बता भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं हुआ है। दूसरा, जो ये अभी पानी की निकासी कहीं नहीं की गई है, दूसरा राव तुलाराम चौक से अभी तक काम चल रहा है सर, जिसका नाला बनाने का, उसकी सिविल लाइन दबाने का कोई काम नहीं है। आज नाले के लिए बना दिया, ऊपर से ठीक कर दिया, अगले दिन सिविल लाइन की जब जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी तो उसको तोड़ फोड़ करके किया जाएगा। आज वो हम पहले से अगर उसको कर सकते हैं तो वो हमारे लिए आगे सरकार के भी पैसे बचेंगे और हमारे लिए भी ये सब रहेगा ठीक, सहूलियत की भी आगे कोई व्यापारी परेशान ना हो, आए दिन जो तोड़ते फोड़ते, आधे तो ये धूल मिट्टी खा खा के कैंसर और टीबी से मरीज हो गए सर। तो ये हमारी मुख्य मांग है आपसे। ये पीछे फोटो इसलिए लगाई गई है, फोटो में देखो एक बार, ये दाव खिला दिखाई दे रहा है सर यहाँ से, और ये आमजन की बहुत भारी परेशानी है सर। आज कम से कम 500 लोग आने थे, हमने मना किया है, क्योंकि हमने एक बार आप तक शांतिपूर्ण तरीके से एक बार दिखाए तो इसलिए बताए तो नहीं तक भाई, उसके बाद ही हम आप नहीं कर पाओगे तब हम आगे की सोचेंगे, भाई धरना करे, प्रदर्शन करे, और कोई काम नहीं जी। इसमें नहीं लिखा वो, क्योंकि वो ये अभी सुबह पता चला है, ये कल का टाइम कर लिया, उस तरफ सीवर लाइन कितने पोर्शन में, इसमें आप नोट कर लीजिए, सीवर और पानी की दोनों लाइन छोड़ दीजिए, डीसी साहब को कोई भी काम के लिए बोला है, हम डीसी साहब के काम से खुश हैं, क्योंकि वो उन्होंने वो काम करके दिया है। आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, कल परसों एसडीएम साहब के पास आए थे, इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उसी टाइम वो प्रवीण एक लड़का है जो आपका अधिकारी है, उसके माध्यम से वो तुरंत वो काम भी करवा दिया था। तो हम आशा करते हैं जिस प्रकार से पहले जो हम आपको अवगत कराते रहे उसका काम हुआ है, तो आगे भी इस चीज को एक बार ध्यान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्टेट हाईवे हमारा बन रहा है, उस स्टेट हाईवे में बहुत सारी कमियां छोड़ दी गई हैं, जो हमारे आमजन के लिए बहुत भारी परेशानी का आगे आने वाले टाइम में सबक बन सकती है। इसलिए आज ही हमने उसको देख करके और डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन में हमने ये कहा है कैची मोड़ पे और ये जो महाराणा प्रताप चौक जो सतनाली चौक है, ये राव तुलाराम चौक और रवासा फ्लाईओवर से क्रॉस करके सीसोट गांव के बीच में एक बहुत बड़े सर्कल की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ चौक पे, हाँ सभी चौक पे सर्कल की रिक्वायरमेंट है बड़े की, और उसको आप रेड लाइट के साथ लगा करके दे, ताकि अगर अपन राव तुलाराम चौक की बात करें तो कुरावटा साइड से अगर कोई मोटरसाइकिल आ रही है, इस साइड से कोई भारी साधन आ रहा है, तो अगर स्पीड से चलता है तो वो एक्सीडेंट होना लाजमी बात है, और रात का टाइम ऐसा हो सकता है, क्योंकि ना ही तो शहर से घुसते है तब, ना ही सतनाली चौक से घुसते है तब, किसी भी साइड से हमारा
कोई भी इस प्रकार का ना ब्रेकर है, ना कोई वो है रेड लाइट है, ना ही कोई चौक है। अगर चौक होता है तो आदमी धीमी गति से चलता है। तो ये डिमांड थी। दूसरी डिमांड ये है जो नांगल सरोई से लेकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय तक, इस तक जो डिवाइडर है, इस पर टाइल लगाई गई है। और हम चाहते हैं कि टाइल को हटा करके हरे भरे पौधे लगाए जाएं, जो कि पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज, इस पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई। तो हम शहर की डिमांड करते हैं कि जो शहर का एरिया पड़ता है सीसोट से लेकर के चिमोड़ तक, इसमें स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। इसके बाद आगे का जो रवासा फ्लाईओवर है, उसके दोनों साइड में एक पहले बना हुआ है नाला, जो कि गहराई 6 फीट है। 6 फीट होने से 15 गोवंश उसके अंदर खत्म हो चुके हैं। आए दिन रवासा गांव के लोग उसमें क्रेन को, प्रशासन को बुला करके और लोग जो ये गोवंश है इनको निकालते हैं, और वो खुला पड़ा है, पुराना है, ठीक करने की तो बात दूर की है। उसको हमने यहाँ पर प्रशासन को बताया है कि भाई आने वाले टाइम में कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई महिला अगर उसमें फिसल के रात बिरात गिर जाती है तो सुबह तक पता नहीं चल पाएगा। बाद में ये कहेंगे कि भाई हम उसको ढक देते हैं, हमें किसी ने बताया नहीं। आपकी इन मांगों को लेकर प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है कि हम जल्दी ही जो कॉन्ट्रेक्टर है और सरकार के माध्यम से इसका रीनिर्माण करवा करके, रीटेंडरिंग करके, और आप लोगों को तुरंत बताया जाएगा। और जो दूसरी साइड नाला बनाया गया है, उस नाले की निकासी नहीं है। जो अभी नाले बनाए गए हैं उसमें सीवर लाइन नहीं दिया गया। अभी कई बार आपने देखा होगा, पानी और पाइप हम बाजार में रोड बना देते हैं, एक छोटे से पाइप के लिए पूरे रोड को तोड़ा जाता है। ये चीज हम पहले अवगत करा रहे हैं। आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपका प्रशासन का भी, आपका विभाग का भी पैसा भी बचेगा और आमजन को परेशानी भी नहीं होगी। जिस दुकान के आगे, आमजन की दुकान के आगे दोबारा तोड़ करके बनाया जाए तो उसके कारोबार को, उसके काम को, उसकी दुकान को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। इसलिए हमने ये सब मिल करके और ज्ञापन दिया है। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया? महेंद्रगढ़ में 148B बन रहा है जी, इसके रिगार्डिंग सभी सामाजिक संगठनों ने इकट्ठे होके, भाई बलवान फौजी ने उसमें सहयोग से और सभी ने एकत्रित होके यहाँ DC महोदय को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। उनमें डिमांड की गई है कि यहाँ इस पर पौधे लगाए जाएं, हमारे जो डिवाइडर हैं इस पर टाइल लगाई जा रही हैं, इस पर पौधे लगाए जाएं ताकि हरियाली यहाँ पर रहे पूरे, इसमें बहुत अच्छा लगे और पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहे। दूसरा है सर्कल चौक बनाया जाए, बहुत फास्ट गति से यहाँ पर साधन चलते हैं, व्हीकल जो एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई हैं और काफ़ी एक्सीडेंट हो भी चुके हैं अब बहुत कम दिनों में। तो हमारी डिमांड यही रही है कि यहाँ पर सर्कल चौक, जो जो चौराहे पड़ते हैं उन सभी पर सर्कल चौक बनाया जाए ताकि आने वाले समय में दुर्घटना की इस तरीके की यहाँ पर ना हो। इन्हीं कामों के लेके यहाँ सभी संगठनों ने एकत्रित होकर, भाई बलवान फौजी ने के साथ और सभी ने मिलकर ज्ञापन दिया है। ये पूरे क्षेत्र की डिमांड है और सभी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि अभी ये रोड बनने लग रहा है, अभी काम ये हो सकता है और आगे चल के बड़ी दिक्कतें आएंगी इसमें। अब पेंडिंग में रह गया तो रह गया, फिर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। बड़े लंबे समय के बाद इस रोड की सुनवाई हुई है,